नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। टोंक खुर्द कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशन में 11 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से 45 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का कार्य जमुनिया के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय परिसर में टीकाकरण महोत्सव के अंतर्गत शुरू हुआ, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। इस अवसर पर आज वरिष्ठ नागरिक कांतिलाल आर, CHO नीतेश ठुनानिया, वैशाली झोसा, सुपरवाइजर RS मालवीय, ANM शारदा रावत, कोमल मालवीय, पत्रकार हरिओम जैन ने माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर महोत्सव की शुरुआत की। इसके बाद COVID-19 टीकाकरण महोत्सव में 56 वर्षीय पुरुष को वैक्सीन लगाकर कार्य की शुरुआत की गई। इस दौरान कई पात्र व्यक्ति अपना आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र करने पहुंचे। जिले में 4 दिवसीय COVID-19 विशेष टीकाकरण महोत्सव के अंतर्गत जिले में 9,470 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन संबंधी जानकारी के लिए कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसका नंबर 0727222220 है। कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने अपील की है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो 45 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं, वे नजदीकी संस्था में जाकर टीका लगवाएं। खबर समय जगत के लिए टोंकखुर्द से हरिओम जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।